बाद में कोरस वगैरह ऐड हुआ, ये आपका द मोस्ट हिट एंड द ब्लू आई ऑफ द सॉन्ग दिस पार्ट। ऑनेस्टली बताऊं तो यार, मतलब सपना था कभी के ऐसे नंबर वन कुछ हो, ऐसा कोई गाना आए, बट अभी ऑनेस्टली यकीन नहीं आ रहा है। और हाउ टू सेलिब्रेट वाला एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चला जा रहा है, एंड आई एम स्टिल वर्किंग, मैं काम करके ही सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हाय गाइस, दिस इज मनन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मैशेबल तोड़फोड़। दिस वॉज द फर्स्ट बेसिक रिदम जो मैंने इसकी प्लान करी थी, ऐसी दिस वॉज द फर्स्ट रिदम। कैसे बनाएंगे दिस वॉज दी बेस ऑफ दी सॉन्ग, जो इसमें ताड बज रही है, एक ढोलक बज रहा है, दिस वॉज दी बेस ऑफ दी सॉन्ग। देन कोई ट्राई नहीं करता है, बट आई वॉज लाइक कि यार इसमें गिटार होना चाहिए, एक थोड़ा सा ना कुछ इस तरीके का एक, ये वो चीज है जिसके ऊपर आपने हमने रिकॉर्ड किया गाना। दिस इज दी, ये रखा नहीं है मैंने। I was doing some other project, एक मैं अलग प्रोजेक्ट कर रहा था जिसके अंदर मुझे फोक म्यूजिक का जो ज्ञाता है, मतलब ऐसा कोई बंदा चाहिए था जिसको फोक के बारे में पता है, पंजाबी फोक के बारे में पता है। तो एक मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मेरे एक भाई हैं रेमन भाई, मेरी उनसे बात चल रही थी कि मेरे को कोई ऐसा बंदा बताओ, तो उन्होंने मेरे को बताया एक भूपेंद्र बब्बल जी करके हैं और वो पंजाब के ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं, उनके बेटे से बात कराई, ही वॉज इन UK। कट टू संदीप रेड्डी वांगा सर वॉज सर्चिंग फॉर द सेम गाय, कि इनका एक वो था डांग खड़के करके एक वो थी, कुछ सुना था, तो ही वॉज सर्चिंग फॉर द सेम गाय। एंड उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मेरे पास तीसरी से आया कि संदीप सर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढने लग गया। एंड उन्होंने रेमंत को भी बताया कि ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, तब रेमंत का मेरे पास कॉल आया कि यार ये वही तो बंदा जिसके बारे में हम अभी 4-5 दिन पहले बात कर रहे थे, ये वही तो है। तो ऐसे करके पूरी एक यू नो व्हेन एक जब काम होने को होता है ना, तो यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें अलाइन कर देता है, तो उस तरीके से हम लोग कॉन्टैक्ट में आए। सो मुझे ये समझ में आ गया था, चलो यार मेरे को हिप हॉप में कुछ करना है, आई वॉज लाइक क्लियर कि ऐसा करना है। देन आई मेड दिस ग्रूव, दिस इज अ वेरी स्लो ग्रूव, अगर आप इसको अकेला सुनते हो तो दिस इज अ वेरी स्लो ग्रूव। इसको मैंने फिर इसके साथ मिलाया था, तो ये जो पंजाबी ग्रूव है ढोलक वाला, टंगट टंगट, ये डबल पे चल रहा है, वो सिंगल पे चल रहा है। तो दिस वॉज दी रिदम का प्रोग्राम। एंड देन फिर इसके अंदर ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी मिलाई, कुछ इस तरीके की percussions, मैं वो सोलो करके सुनाता हूँ, लाइक दीस सॉर्ट ऑफ percussions। तो ये चीजें क्या है ना, मैं गाने को थोड़ा एम्प्टी भी रखना चाहता था, बिकॉज मुझे ये पता था कि इसमें वोकल्स तो बहुत सारे यूज़ करनी है। आई वॉज लाइक के कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करूँ जो कि क्लैश ना करें वोकल्स के साथ। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा प्रोसेस लगा, नहीं तो पहले क्या होता है ना, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, गाना बनाता हूँ, कंपोज करता हूँ, लिखता हूँ, थोड़ा सा प्रोड्यूस करता हूँ, 70-80% प्रोड्यूस हो जाता है, फिर मैं उसको गाता हूँ, ऐसे वाला सीन होता है। यहाँ पे मुझे मज़ा ये आया कि पहले मेरे पास वोकल्स थे, फिर उसके बाद मैंने प्रोड्यूस किया है, उसके बाद मैंने सारा कुछ उसका वो किया, तो आपके पास आपको पता होता है कि मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ये सारी चीज़ें बची हुई हैं, आई कैन प्ले विद इट, ये मेरे को नहीं छेड़ना है। तो दिस वॉज दी प्लस पॉइंट ऑफ डूइंग द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। मेक लिसन दी FX पार्ट। सो FX पार्ट इज लाइक थोड़ा ड्रामेटिक लगेगा आपको सोलो करके सुनोगे तो, जस्ट सायरन, और ये सायरन इतना हिट हो जाएगा मुझे नहीं पता था। इट वॉज लाइक के यार डालना है, मैंने लंबा पूरा लंबा सायरन रखा है, नहीं इतना लंबा सायरन है, और आप इसको ध्यान से सुनोगे, मैंने 2-3 सायरन मिलाए हैं इसके अंदर। ये कांच तोड़ने की आवाजें, ये एक ग्लास नहीं टूट रहा है, ये भी मैंने एक ग्लास मैंने साउंड मैंने डाली जब इसके अंदर, तो आई वॉज लाइक के यार नहीं, ये तो ग्लास की साउंड्स पे लेयर करनी पड़ेंगी, 5-10 ग्लासेस फोड़ने पड़ेंगे, तो फिर वो करके ये अपना FX का एक अलग चाहिए। अब आप इसको FX के साथ सुनोगे रिदम को, देन आपको थोड़ा एक अलग फील आएगा। तो ना मैंने कुछ रोल्स वगैरह नहीं दिए, मैंने कहा डग 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 करके ऐसे कुछ रोल्स वगैरह आएंगे तो ऐसा कुछ होएगा, मैंने सिर्फ कांच तोड़ने की, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पर रोल्स डालूंगा तो फिर वो कॉमन हो जाएगा।
ये हु की साउंड आपने अगर देखा होगा तो वो में जैसे मास्क वगैरह पहन के रखे हैं, यू नो इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी अनरियल सी फाइट हो रही है, तो ये मैंने थोड़ा सा एक जो होता है ना हु सॉर्ट ऑफ एक इफेक्ट था, ये मैंने इस वजह से डाला था ये आपको दिस थिंग। दो चार वॉइस को लेयर करके डाला था ये। एक इसका सबसे प्यारा पार्ट मैं आपको सुनाता हूँ, अब आप ये सुनेंगे तो आपको ये इस गाने का पार्ट लगेगा ही नहीं, आप कह ही नहीं सकते इसमें कोई वॉर करेगा गाना है ये। इस पे आप कोई भी नॉर्मल एक बॉलीवुड का कोई भी आप गाना इसमें कंपोज करें, बट ये गाना ये जो पार्ट है ये उस गाने के अंदर आ रहा है जिसके अंदर लड़ाइयां चल रही हैं, तो ये मैंने जानबूझ के रखा था कि मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं साला एक इमोशन वो चीज डालनी चाहिए, ये कहीं सूट नहीं करता है एक्चुअली गाने में। अब मनन भारद्वाज कोई गाना बना रहा है तो उसमें पियानो ना हो तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब मैं पूरे गाने में ढूंढ रहा हूँ पियानो कहाँ डाल सकता हूँ, कैसे डाल सकता हूँ, कहाँ डाल सकता हूँ, बिकॉज यू नो पियानो इज माई राइट हैंड एक तरीके से, अगर म्यूजिक मैं बनाता हूँ तो आई वाज लाइक यार पियानो कहाँ डालूँ, ये तो वो वाला गाना है नहीं, शिद्दत वगैरह मैंने पियानो स्टार्ट कर दिए, चिट्टा में पियानो है, आज के बाद इज लाइक पियानो बैलेड सॉन्ग सॉर्ट ऑफ, पियानो कहाँ डालूँ पूरा गाना बीत गया। फिर वो बताता हूँ, ये पियानो की मेरी स्टेम्स है, पूरा गाना बीत जाता है और ये लाइन आती है, जब मैंने ये लाइन जब मैं इसको वो कर रहा था प्रोग्राम कर रहा था, मैं यार यहाँ पियानो डालते हैं, मैं इसको आपको वॉल्यूम कम करके सुनाता हूँ, मैं आपको ना इनिशियल इंटरेस्टिंग चीजें सुनाता हूँ, आप ये सुनिए लाइक सम टेक्स ऑफ बब्बल पाजी। आप देख रहे हो क्लिप हो रहा है एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्टॉप हिम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वो जब गाना लगता है ना एक जब एक जो गायक होता है ना जो उसने मिट्टी से जुड़ा गायक होता है तो वो जब गाता है उसको आप रोक नहीं सकते हो, रोकना चाहिए भी नहीं, एडजस्टिंग माई लेवल्स और ये बब्बल पाजी को पीछे कर रहा हूँ आगे कर रहा हूँ, लाइक सो मेनी टेक्स, बहुत टेक्स लिए हैं मैंने उनके। अब अगर ये हाय हमें उस टाइम बहुत अच्छा लगा, बट अब हम ये हाय और ये सब चीज़ें डालते हैं ना वो गाना थोड़ा सा उसमें चला जाता, वो नहीं आता उसमें, एक वॉर क्राई सॉर्ट ऑफ चीज़ें नहीं आती हाय पाई ये सब डालते तो अगेन हमने बहुत सारी चीज़ें जब चक्को यूज़ हुआ है दैट चक्को इज़ ओनली वन, बट हमने 100 के आसपास चक्को ही रिकॉर्ड किया था एंड आई एम लकी, इनफैक्ट यू आर लकी कि ये वाला प्रोजेक्ट मिल गया हमें। चक्को खड़े, सो दिस इज अनदर चक्को है, चक्को खड़े, ये भी सब लिया था खड़े, मतलब पाजी का जितना गुस्सा था हमने सारा निकाल लिया था उस टाइम पे, बड़े सारे हमने ये सब चीजें ली थी, हजारों टेक्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, हमने इतने टेक्स लिए हैं एंड 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 जो लीरो लीरा आपने लाइन सुनी होगी, लीरा लीरा हो जाओगी वो जो लाइन सुनी होगी। अब क्या है, जो मेरा फ्रेंड है रेमंत, रेमंत की फर्स्ट लोहड़ी पंजाब में ना लोहड़ी मनाते हैं जब बच्चा पैदा होता है, पहली लोहड़ी होती है, फर्स्ट लोहड़ी के ऊपर बब्बल पाजी ने परफॉर्म किया था, तो उसने बचपन से ही सुना बब्बल पाजी को, तो उसके दिमाग में एक लाइन थी कि लीरो लीर का ना आप ऐसे गाते थे, लीरो लीर हो जाओगी वो ऐसे करके आप गाते थे, वो टेक रेमंत ने दिलवाया है, बार बार टेक्स लिए जा रहे हैं हम, लिए जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है सुर कौन से हैं यार, ये कौन से सुर में गा रहे हैं, फिर वो टेक आया है, मतलब लीरो लीर के ऊपर हमने बहुत वो किया था, सो दीज आर लाइक सम इनिशियल टेक्स, और सो मैंने बेसिकली उनको विदाउट टेम्पो, अब ये लीरो लीर के लिए हमने जो टेक्स दिए थे उनको कि अब लीरो लीर आपको गाना है, इट वॉज लक के वो टेक आ गया, मुझे लग नहीं रहा था कि वो टेक ऐसा जो सोच रहे हैं वो आएगा, उनकी विजन कुछ अलग थी कि लीरो लीर में हम इतना स्ट्रेच करेंगे, ये सारे हमारे लीरो लीर के टेक्स हैं। हली रोली रुखो जाऊंगी एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ना बब्बल पाजी जिन्होंने कभी गाया होगा ऐसे तो ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि यार मैंने ऐसा क्या गा दिया था कि वो जो मैं गा ही नहीं पा रहा हूँ दोबारा, यू नो वो क्या चीज है, एंड रेमन भाई वॉज लाइक कंसिस्टेंट के नहीं यार वो चीज़ नहीं आ रही है, वो चीज़ नहीं आ रही है, संदीप सर वॉज लाइक लुकिंग एट अस, ऐसी कौन सी चीज़ थी यार जो आ नहीं रही है, फिर फाइनली जब वो लीरो लीर आया जो आपने सुना है गाने के अंदर, वो जब वो आया तो फिर हमारे पास दिस इज द वन, लेके पिच करेक्शन के बगैर सुनाता हूँ आपको।
हली रली रुगा जाऊंगी। मैं एंड में बोल रहा हूँ बस हो गया। एंड इसका फर्स्ट कोरस मैं आपको सुनाता हूँ। दिस वाज लाइक फर्स्ट कोरस ऑफ दिस ट्रैक। संदीप सर ने मेरे को आई रिमेंबर कि उन्होंने मेरे को बोला था यार ऐसा लग रहा है कि एक एक जैसी आवाज़ें हैं सबकी। मैंने एक एक दो जब बंदे गाए थे देन आई रियलाइज कि यार नहीं वी हैव टू रिकॉर्ड डिफरेंट वॉइस फॉर लाइक एवरी ब्रदर। कुछ अलग अलग वॉइस रिकॉर्ड करनी चाहिए हमें, तो इसलिए इतने सारे लोगों का कोरस रिकॉर्ड किया हमने। मैंने कोरस में ना एक भी टेक पिच नहीं किया, एक भी टेक। सो आई वॉज लाइक के इसको रियल रखते हैं जितना रियल आ सकता है। कुछ कोरस तो बहुत ड्राई रखे हैं मैंने। सो लेट मी मैं आपको एक एक दो तीन स्टैक सुनाता हूँ कोरस के। अली ने और जन बैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। ये चार पांच जनों को खड़े करके मैंने सामने लिया, नो पिचिंग एट ऑल। ये अलग चार पांच जने खड़े हैं। अली ने और जन बैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। अगर आप इसको सोलो करके सुनोगे तो ऑब्वियसली बेसरा लगेगा, बट अगर आप इसको रियलिस्टिक तरीके से सोचोगे, मेरे भी भाई हैं, मेरे खुद के 14-15 भाई हैं, पंजाब में रहते हैं, कोई हरियाणा में रहते हैं, तो अगर वो गा रहे हैं मेरे पीछे खड़े होकर, तो वो यार वो पिच में तो नहीं गा सकते है ना। तो वो मैं रियलिस्टिक एक रियलिस्टिक अप्रोच देना चाहता था इसको। देन ऑब्वियसली फिर मैंने सोलो सोलो करके बहुत सारे लोगों से गवाए हैं गाने। ये अब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार इतना बेसुरा तो नहीं हमने सुना था गाने में। अर्जन वैली ने यू नो सो दीज आर लाइक सम टेक्स। हो अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। किसी से गंडासी नहीं बोला जा रहा, बट वो जो एक ओवरऑल एक वो आएगा ना इम्पैक्ट आएगा, इसको आप सुनेंगे अगर तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई बहुत सारे लोग गुस्से में तो गा रहे हैं। अर्जन वैली ने हो अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। मैं अभी भी सुन रहा हूँ तो मेरे को वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है उस रिकॉर्डिंग का, वो सेशन दिमाग में आ रहा है। अच्छा हाँ उस रात को हम ऐसे कर रहे थे, ये कर रहे थे। बब्बल पाजी वाज लाइक मतलब आप भी आप उनसे कभी मिलोगे तो यू नो यू विल फील हिज एनर्जी। वो एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली एनर्जी है। एंड या दिस सॉन्ग वाज लाइक मेरे लिए आई गेस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एंड कभी उस टाइम में बनाते वक्त ये भी नहीं सोचा था यार ये वर्ल्ड टॉप चार्ट्स में जा रहा होगा, इंडिया टॉप चार्ट्स में जा रहा होगा, बिल बोर्ड में आ रहा होगा। बिल बोर्ड कभी हम सुना करते थे, बिल बोर्ड जैसी कोई ओके इतने सारे गाने जो सबसे बेस्ट गाने होते हैं वो बिल बोर्ड में आते हैं। वी यूज टू लिसन कि अच्छा ये चीज़ आ रही है बिल बोर्ड में तो इससे इंस्पायर हो सकते हैं या फिर सीख सकते हैं साउंड वाइज। बट हाँ आज की डेट में बिल बोर्ड में गाना है लाइक ऑब्वियसली मतलब इट्स समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आई कैन से।